हाय गाइस, हम जा रहे हैं घूमने के लिए कोरम बीच और अभी टाइम हुआ है 4:03। चलो, और अनुज तो अपने दादों के साथ खेल रहा है। ये देखो अनुज कहाँ है। अनुज चलो बेटा घूमने। जाओ घूमने जा रहे हैं। हम तैयार हो चुके हैं तो बाय बाय। देखो पानी कितना मस्त है यार, ऑसम। और बहुत अंधेरा भी हो चुका है और शाम के 6 बज गए हैं, तो हमको क्या लेट हो गया था पहुंचने में। तो आप खाए, ये पानी आया, पानी आया, ये पानी आया, पानी आया, भागो भागो भागो। हेलो गाइस, बताइए आपको कैसा समुंदर लगा है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ये कितनी अच्छी जगह है और बहुत ही सुंदर जगह है। पहले हम आते थे ना, तब यहाँ पे कोई भी आके मतलब इतना कोई भी अच्छी रौनक नहीं थी, और अब इस मतलब वापस इतने दिनों के बाद आई हूँ तो बहुत ही प्यारी रौनक दिख रही है। बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे आसपास में। अगर आ गए हैं तो आए हुए अभी टाइम हो गया, बहुत भूख लगी है। तो अभी हम भेलपूरी लेके आए थे वैसे साथ में, तो अभी इधर ही भेलपूरी बना के खाएंगे। बड़े अच्छी सी भेलपूरी बना के खा लेंगे। हाय हाय, यम्मी यम्मी। ये देखो हमने भेलपूरी सूखी जी बना रहे हैं। ये देखो हमारी भेलपूरी बन चुकी है, तो हम इस भेलपूरी को खाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया हमको। तो बस उन्हें खा लिए, पी लिए, बस वापस चलते हैं घर। घर नहीं, देखते हैं कोई अच्छी सी जगह होगी तो हम घूमेंगे फिरेंगे और भी आपको बताएंगे क्या क्या यहाँ पे जगह है।
नेट में घूमने के लिए। तो अभी तक गाड़ी लेने गए हैं मेरे बेस्ट बेड साइड में, तो गाड़ी लेके आएंगे फिर हम निकलेंगे वापस घूमने के लिए। तो पता नहीं अब कहाँ घूमेंगे, वो तो आपको वहाँ पे जाके बताऊंगी। ये हमारी गाड़ी आ चुकी है, तो हम सब बैठेंगे गाड़ी के अंदर। अब हम भराएंगे गाड़ी में पेट्रोल, कराएंगे टंकी फुल। 2650 का पेट्रोल भरा चुके हैं, अब वापस ये करेंगे पे। हमें कोई नहीं बताएंगे तो आप सबको क्या बताएंगे। हमारा पेट्रोल फुल हो चुका है, ये शॉपिंग की। बस मम्मी जी के दो अच्छे से कुर्ते ले लिए, वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। ये अच्छे कपड़े मिले नहीं, तो एक भी पसंद नहीं आया मेरे को। ठीक है, तो देखेंगे आगे जाके कोई अच्छी सी शॉप होगी तो हम वहाँ से अच्छे से कपड़े लेंगे इसके लिए। बहुत ही ट्रैफिक है, अभी सामान स्टोर भी नहीं पहुँच पा रहा है, इतना ट्रैफिक है। देखो करें तो ये देखो, ये बोतीस है इस शहर में और ये सवाना स्टोर है। ये देखो हम आ चुके हैं सवाना स्टोर, तो अब हम एंट्री करेंगे। अभी पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी पता नहीं हमको, मिल जाएगी। थैंक यू अंकल हमको पार्किंग देने के लिए, क्योंकि अब 10 बजने वाला है तो पार्किंग बंद भी हो सकती है। इसलिए हम आ चुके हैं सामान स्टोर में अनुज के लिए, कुछ देखते हैं कोई अच्छा सा कोई मिलता है तो। देखो अनुज के लिए हम फोटो लेंगे, ये नहीं ये देखो। चलो अनुज के लिए अच्छे से कपड़े लेते हैं। हमने कपड़े ले लिए हैं, तो हम सेकंड फ्लोर में थर्ड फ्लोर में थे, अब आएंगे हम फ्लोर में जा रहे हैं। अनुज के कपड़े ले चुके हैं, तो बस फटाफट बिल्डिंग करा देते हैं क्योंकि नहीं तो बंद हो जाएगा, बंद होने वाला है। सबके सब रवाना हो रहे हैं, आप देख सकते हैं ये खड़े हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ लग रही है, बिल्डिंग कैसे होती है ये देखो। यहाँ से कपड़े देते हैं, यहाँ से ऐसे 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 बात है।
बिल यहाँ पे ऐसे करता है, ऐसा हाईलाइट वो हो चुकी है। अभी तक इतनी भीड़ है यहाँ पे, क्रिसमस की कितनी अच्छी सी डेकोरेशन की हुई है जिसको यहाँ पे हम रोज रखता है। उसके बाद में ये देखो क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस डे सभी को, 25 तारीख को क्रिसमस डे है इसलिए यहाँ पे पहले से डेकोरेशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये तो भगवान है, ये देखो अनुज भी गया वहाँ पे। हाय गाइस, अब हम जा रहे हैं घर पे, ठीक है, हमारी शॉपिंग हो गई है, अभी बजे हैं 11 बज चुके हैं, तब जाएंगे घर पे अनुज के लिए जो मेरे को पसंद आए तो 2-3 कपड़े आए, क्योंकि वहाँ पे मतलब ज़्यादा इतना स्टॉक था पर इतना टाइम नहीं था हमारे पास, इतनी वैरायटी थी। आज मेरा लेट हो गया था, हम पहुँचे 10 बजे, तो हम पहुँचे वहाँ पे अंदर 10 बजे पहुँचने के बाद हमारे पास आधा घंटे था, तब तो हमने 3 जैसी जूस पी इसके लिए, फिर और कभी आएंगे तब लेंगे। तो आपको क्रिसमस के बारे में बताती हूँ, तो अभी हम नेक्स्ट व्लॉग्स हमारा होगा, व्लॉग्स तो वो होगा क्रिसमस का, क्योंकि क्रिसमस बहुत ही प्यारी प्यारी जगह है यहाँ पे। आपको सबको डेकोरेशन बताऊंगी यहाँ के डेकोरेशन कैसा होता है, मेरे को इतना अच्छा लगा डेकोरेशन देख के, बहुत ही प्यारा लगा, मैंने कहा हाँ यहाँ जगह बहुत मस्त है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग्स इसके लाएंगे, मतलब सारा मतलब यहाँ जो डेकोरेशन होती है ना क्रिसमस की, अभी डेकोरेशन है बहुत अच्छी, तो हम आपको दिखाएंगे। तो अभी जा रहे हैं हम घर पे, हम आ चुके हैं, मेरे रूम की लाइट नहीं लग रही है, मेरे रूम की लाइट बंद है, ये जैसी वाला रूम है मेरा, ये देखो ये हमने टर्न किया, ये हमने टर्न कर लिया है, हम गाड़ी रोक रहे हैं। अभी हम घर आ चुके हैं, तो अभी घर पे आए हैं, पता नहीं कोई पार्सल आ रखा है, बहुत ही एमरजेंस है, हमने कुछ मंगाया था, पता नहीं कौन सा वाला पार्सल आया अभी तक ये पता नहीं। देखो अनुज थक गया है, कोई सो रहा है, कही है मैंने और बस अब वीडियो एडिट करके पोस्ट करेंगे, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय श्री कृष्ण सा, राम राम सा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दो प्लीज।